आपने शुरू की थी हमारे संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स हाँ तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का काम एजुकेशन से कुछ नहीं है नहीं कमीशन से है नहीं ग्रांट्स है ओनली फंक्शन इज टू गिव ग्रांट्स देयर फंक्शन इज नॉट टू एजुकेट एजुकेशन के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं नहीं करते हाँ दैट इट इज अ ग्रांटिंग पार्टी आप जाकर उनके हाथ पांव जोड़िए और पैसे लो दैट्स ऑल और इतना ही नहीं है उनके नैक से लड़ाई चल रही है हाँ, वो तो खैर चलती रहेगी अरे उन्हीं की तो बॉडी है दूसरी जो है ये जो मैंने एक आर्टिकल में लिखा था यही जो आपने जो क्या था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो मैंने यही लिखा था कि ये तो एक जो है एजुकेशन तो समझते नहीं है मतलब स्लो एजुकेशन पॉलिसी तो इतनी रिपोर्ट आई है सबसे पहली रिपोर्ट आई थी एजुकेशन पे एडिटेड बाय डॉक्टर राधा हाँ राधा कृष्णन कोठारी का मिशन ये वो इतनी रिपोर्ट्स आई हैं एंड हेडेड बाय द मोस्ट एविडेंट पीपल अवेलेबल एट दैट टाइम ना तो वो किसी ने रिपोर्ट पढ़ी अगर रिपोर्ट पढ़ी होती तो जो अर्ली रिपोर्ट आई थी उसमें उसका जिक्र होता जो उसके लेसन होते वो लेते एक इंटरेस्टिंगली आई आई टी कानपुर खड़े खड़गपुर के लिए यू सी देयर इज ए आई आई टी दिस चार्टर्स में लिखा हुआ है कि विजिटर दैट इज इट प्रेसिडेंट ही हैज द पावर्स टू अपॉइंट अ विजिटिंग कमेटी फॉर आईआईटी विजिटिंग कमेटी मींस वो जाके उसका रखरखाव का देखेंगे पढ़ाई अच्छी होती है द ओनली विजिटिंग कमेटी सो फार अपॉइंटेड वाज आई थिंक वे बैक इन 1661 फॉर आईआईटी खड़गपुर उसमें दो दो विदेशी थे ब्रिटेन के लोग थे एक हिंदुस्तानी थे बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी के डायरेक्टर प्रोफेसर देशपांडे उस रिपोर्ट में यह था कि ये जो फर्स्ट क्लास मिलती है इनको वह इंसिडेंट भी आई टी खड़गपुर में ऑनर्स की डिग्री मिलती है बीटेक ऑनर्स नो एवरीबॉडी के लिए ऑनर्स डिग्री का नाम यही है तो उन्होंने उस रिपोर्ट में था द फर्स्ट क्लास डिग्री अवार्डेड बाय आई टी खड़गपुर दे डोंट डिजर्व इट एंड दैट्स द एंड आप फर्दर हमिंग रिपोर्ट भैया क्लास हमारी ऐसी तैसी करेंगी ये रिपोर्ट वाले तो उसके बाद कोई विजिटिंग कमेटी नहीं बनी कुछ नहीं एक दूसरी एग्जांपल नो एस्पर्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी राधा कृष्णन जी भी थे उसके वाइस चांसलर थे लेकिन जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं जो गलतियां हैं बीएचयू पे वो भी नहीं सुधार पाए तो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट बाद में डॉक्टर शिवमाली भी बने उनकी जो दुर्गत हुई तो वो तो छोड़ ही दीजिए उसी कुछ हमारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल गड़बड़ है जो जिसको हम नहीं एड्रेस अगर करेंगे तो ये कमेटीज या रिपोर्ट्स हमारा कुछ नहीं करेंगे भाई राधाकृष्णन एजुकेशनिस्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट क्योंकि उनका वंश सिंगल टीचर स्कूल उन्होंने शुरू किए थे महात्मा गांधी के कहने पे ग्रेट थिंग सॉरी इनोवेशन हुआ कुछ भी नहीं और फिर ये जैसे आपने कहा कि मार्क्स का कोई मसला नहीं होता क्योंकि मैं टीचिंग में रहा हूँ मैनी ऑफ अवर माई स्टूडेंट्स हु आर टॉपर्स इन द क्लास वर फर्स्ट लर्नर्स इन देयर व्हाट यू कॉल फैमिली उनके बाप दादा ने कभी पढ़ाई नहीं करी बट दे एक्सेल्ड इन एजुकेशन टॉपर्स रहे एक लड़के का और एग्जांपल है उसके पिताजी की छोटी सी दुकान होती थी कहीं अनपढ़ ही टॉप्ड इन माय यूनिवर्सिटी वेंट टू नीटी बॉम्बे वहाँ से उसे दो गोल्ड मेडल मिले एक तो नीटी का मिला फिर वो इंडस्ट्री वाले भी देते थे तो वो कोई कोरिलेशन नहीं है किसी का भी कि आपने यहाँ मार्क्स ले लिए तो यहाँ अच्छा करेंगे या आपके माँ बाप पढ़े हैं तो आप अच्छा करेंगे या आपके बाप माँ बाप नोबल लॉरिएट हैं तो बच्चे भी होंगे लेकिन ठीक है उनको कुछ एडवांटेज मिल जाती है उनको रास्ता मिल जाता है रास्ता भी कैसे मिलता है फॉर एग्जाम्पल आई वॉज फ्रॉम पंतनगर तो हमारी यूनिवर्सिटी इलिनॉय से कोलेब्रेशन में बनी थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो हमारे हर स्टूडेंट जो है ही इज अवेयर के वो क्या एग्जाम होता सर हम देखा जाने हाँ ये जीआरई एंड टॉफर तो हमारे यहाँ हर बच्चों को पता होता है कि जीआरई और टॉफर है तो हमारी यूनिवर्सिटी से काफ़ी लड़के चले जाते हैं
आई हैड सर्टन माई कोलीग्स हु आर ग्रेजुएट फ्रॉम से गोरखपुर, वहाँ से हमारे लेक्चरर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, कहते हैं सर हमें तो पढ़ने के बाद के दो साल तक नहीं पता था कि जीआरई नाम की भी चीज़ है। तो वो एक रास्ता होता है उनको मिल जाता है, जिसको मिल जाता है वो तो चल देता है। ये नहीं कि वहाँ ब्रिलियंट लड़का नहीं, एक वो हमारे यहाँ आता है क्या नाम आप भी जानते होंगे उसको, अजी वो जेएनयू से पीएचडी कर रहा, तो कहने लगा कि मुझे लगा कि ये आईआईटी वाली बड़ी मजेदार चीज है। तो उसने अपने छोटे भाई को ट्रेन किया कि तू आईआईटी में एडमिशन, तो वो उसी उसकी आई आई टी कानपुर में हो गए। एंड बिकॉज ही न्यू द पाथ विच इज ब्रदर टोल्ड, फाइव आउट ऑफ फाइव है या टेन है, टेन आउट ऑफ टेन, टेन आउट ऑफ टेन हो तो वो फिर एम आई टी भी चला जाएगा। तो एम आई टी भी चला गया, वहाँ भी बस ऑप्शन एवरीबॉडी, तो उसको रास्ता मिल गया। कई बार हमारा जो टैलेंट, हालांकि उसका उसको देश को फायदा हुआ या नहीं, वो मैंने उसकी बहस में जाना चाहता। तो कई बार लोगों की अवेयरनेस नहीं है, जब अवेयरनेस हो जाती है तो उनको भी रास्ता खुल जाता है। एंड फॉर्चुनेटली दिस इंटरनेट अब सब ये सबको रास्ता दिखा रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो अब कोई चीज़ छुपी नहीं रह गई, जो पुराने ज़माने में होता था कि आप वेद पढ़ लेंगे तो कानों में शीशा डाल के, वो बात खत्म हो गई। सो दिस हैज़ बिकम ए ग्रेट लेवलर, जो शायद हम इंस्टीट्यूशन में नहीं कर पाते। पहले होता था कि किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी चीज़ है, आज ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास टेलीफोन है, तेरे पास नहीं। आजकल जिसके पास कोई काम नहीं है, भिखारी भी है, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, उसके पास भी ये है। सो दिस हैज बिकम ए लर्निंग फील्ड फॉर ऑल ऑफ अस, एंड ये एजुकेशन में भी अच्छा कर सारी।